विक्की कौशल और सारा अली खान की फिल्म से किसी को भी बहुत जोरदार कमाई की उम्मीद नहीं थी, मगर सभी को चौंकाते हुए जरा हट के जरा बच के बॉलीवुड के लिए एक और सरप्राइज हिट बन गई है। फिल्म ने दूसरे हफ्ते भी जमकर कमाई की और थिएटर जाने वालों की पहली पसंद बनी रही। जरा हट के जरा बच के का ट्रेलर देखने के बाद लोगों को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म बॉलीवुड के लिए नई हिट बन सकती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद वाले दौर में जनता की च्वाइस किस फिल्म के ऊपर उठेगी ये कोई नहीं बता सकता। विकी कौशल और सारा अली खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना दूसरा वीकेंड देख चुकी है और 10 दिन में इस फिल्म ने सभी को सरप्राइज कर दिया है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स बताती हैं कि विक्की सारा की फिल्म ने दूसरे रविवार को फिर से सॉलिड जंप लिया। रविवार को थिएटर्स में फिल्म का 10वां दिन था और फिल्म ने बिना कोई सुस्ती दिखाए 7 करोड़ 2 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया। शनिवार के मुकाबले कलेक्शन 20% से भी ज्यादा है। हालांकि 12 जून को जरा हटके जरा बचके ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया था। इसके साथ ही जरा हटके जरा बचके ने अब तक देश भर में लगभग 56 करोड़ 20 लाख रुपए की कुल कमाई कर ली है। इस फिल्म में विकी कौशल और सारा अली खान ने बहुत अच्छा काम किया है। दोनों की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आ रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म की एक्ट्रेस सारा अली खान के लाइफ से जुड़ी हुई बातें बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपने सुनी होगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। घुटनों के बल चल क्या लौंडे तेरे जैसे। सारा अली खान का जन्म 12 अगस्त 1995 को मुंबई में हुआ। सारा के पिता सैफ अली खान बॉलीवुड के स्टार हैं, वहीं इनकी मां अमृता सिंह का सिनेमाई सफर भी काफी शानदार रहा। सारा बचपन से क्यूट होने के साथ साथ काफी शरारती भी थी। सारा अली खान धीरू भाई अंबानी स्कूल से अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट की। जब एडमिशन के वक्त प्रिंसिपल ने सारा को कुछ क्वेश्चंस पूछे तो सारा दमादम मस्त कलंदर गाने लगी, जबकि उनकी माँ ने उन्हें पहले से ही कहा था कि अच्छे से पोलाइटली जवाब देना। पर सारा तो सारा है, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाली। सारा के हरकतों और चुलबुलाहट ने अमृता और सैफ के रिश्ते को भी काफी हद तक बना कर रखा था। सारा को बचपन से डांसिंग के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होने का बहुत शौक था। माँ अमृता को तो बचपन से ही सारा में एक्ट्रेस बनने के सारे लक्षण दिखने लगे थे। सारा का बचपन इसी तरह से मस्ती में गुजर रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उनके हंसते खिलते परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई। सैफ और अमृता के प्यार के बीच में धीरे धीरे दरार आने लग गई। दोनों में झगड़े होने लग गए और दोनों का रिश्ता इतना खराब हुआ कि शादी के 13 साल के बाद इनका तलाक हो गया। इसके बाद अमृता ने यह फैसला लिया कि वो सारा को अपने पास में रखेगी और सैफ के पास नहीं जाने देंगी। खैर, सारा की भी यही इच्छा थी कि वो अपनी माँ अमृता के पास ही रहे। इसके बाद अमृता सिंह ने एक्टिंग करना करीब करीब बंद कर दिया था, क्योंकि अमृता नहीं चाहती थी कि सारा की परवरिश कोई नैनी करे। वो चाहती थी कि उनकी परवरिश वो खुद करे, तभी बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वहीं सारा अपने पापा सैफ अली खान के भी बहुत ज्यादा करीब थी, इसलिए सारा ने कभी भी पापा सैफ से अमृता को छोड़ने के बाद भी नफरत नहीं की। वह अपने पापा से अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। 17 साल की उम्र में ही सारा हेलो मैगजीन के कवर पेज पर अपनी माँ के साथ नजर आई। बस फिर क्या था, उन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग के कई ऑफर्स आने लगे, लेकिन अमृता और सैफ ने उन्हें पहले पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी। सारा एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इन्होंने 2016 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। दरअसल इनकी डिग्री 4 साल की थी, लेकिन फिल्म दुनिया में आने का जुनून ऐसा था कि उन्होंने 3 साल में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उस वक्त सारा ने बहुत ही ज्यादा वेट गेन भी कर लिया था। उनका वजन लगभग 95 किलो था, क्योंकि वो खाने पीने की काफी ज्यादा शौकीन थी। सारा को अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए डेली काफी स्ट्रिक्ट वर्कआउट करना पड़ता है, और सारा ने ऐसा किया भी, और साथ ही उनकी फिल्मों में आने की कोशिश भी जारी ही थी। सारा को बॉलीवुड में पहचान तब मिली जब अभिषेक कपूर ने उन्हें फिल्म केदारनाथ का ऑफर दिया। उत्तराखंड के त्रासदी के दौरान दो दिलों के बीच पनपती मोहब्बत पर बनी फिल्म केदारनाथ में अपने चुनौती भरे किरदार और खूबसूरत अदाओं से सारा ने पहली फिल्म में लाखों लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। इसके बाद आई फिल्म सिम्बा, लव आजकल, कुली नंबर 1, अतरंगी रे, इनमें अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। सारा अली खान अपने स्टेप मदर करीना कपूर खान को अपनी एक अच्छी दोस्त मानती हैं। हालांकि अमृता सारा को करीना के पास जाने को मना करती हैं, लेकिन जब ये अपने सौतेले भाइयों से मिलती हैं तो बेहद प्यार से मिलती हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आपको सारा अली खान कैसे लगती हैं? आपको उनकी कौन सी फिल्म पसंद है? कॉमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।